हेलो गाइस, मैं हूं अभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फिर से एक नया ब्लॉग वीडियो लेके मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए। आज सुबह सुबह मैं खेत पे आ चुका हूं। चल रहा है सोनालिका सिकंदरी DI50RX फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर। 50 HP का ट्रैक्टर है, फोर व्हील ड्राइव है। और गाइस, हमारा जो 6 बीघा वाला खेत है वहाँ पर जो है आज फाइनल पडलिंग करा जा रहा है, यानी कि कद्दू भी बोल सकते हैं, कद्दू करा जा रहा है। इसके बाद जो है धान लगेगा। तो गाइस, वीडियो को आप लोग एंड तक कंटिन्यू करते रहो, वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। देख सकते हो खेत एकदम जो है सूख गया है, थोड़ा बहुत पानी है। इस साइड पे जो है गड्ढा हो गया है, देख सकते हो। यहाँ पे ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चल रहा है मस्त तरीके से। गाइज, हमारा जितना सारा खेत है उसमें से सबसे बड़ा वाला यही वाला खेत है। ये पहले एक ही होता था, फिर जो है इसको डिवाइड करके जो है 4 टुकड़े किए गए, बड़े बड़े 2 और इस कोने में 1 और उस कोने में 1। और ऊपर वाले साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगों का जो है 3 खेत है। तो गाइज, खेत बहुत बढ़िया है यहाँ पे, और पानी भी कभी नहीं कम होता, एकदम ठीक ठाक ही रहता है। गाइज, आप लोग ट्रैक्टर का स्पीड चेक करो, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। गाइज, मैं एक जगह पे खड़े होकर ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल का कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर यहाँ से वहाँ तक हम जाए चल के तो बहुत ज़्यादा जो है ये कांपता है। गाइज, इसका जो सामने बम्पर पे हमने लाइट लगाया था वो वाला लाइट जो है टूट गया है, झाड़ियों में लग गए मेड़ के साइड पे। तो गाइज, उसको जो है सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर से हम वेल्डिंग करा के एकदम सही कर देंगे। गाइज, अब जो है सभी जो ट्रैक्टर है वो फोर व्हील ड्राइव होने की वजह से एक बहुत बढ़िया जो है हुआ है वो है केज व्हील बार बार लगाना खोलना पड़ता था टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में, फोर व्हील ड्राइव में उसका कोई झंझट ही नहीं है।
गाइज वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपके साथ मिलते हैं किसी अगला और नया ट्रैक्टर की वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।